बच्चों लेखांकन विषय के अंतर्गत अब तक हमने जिन अध्यायों को पढ़ा जिस टॉपिक को हमने जाना उनमें आपने देखा कि कैसे ये सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं सबसे पहले जब हमने प्रारंभिक प्रविष्टियों की बात की जनरल एंट्रीज़ की बात की तो आपने देखा कि जो व्यवहार हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं हम उन सभी व्यवहारों के अलग अलग पंजी प्रविष्टियां करते हैं और इन्हीं पंजी प्रविष्टियों को आगे चलकर हम खाता बही के रूप में परिवर्तित कर देते हैं यानी हम ये कह सकते हैं कि खाता बही का आधार पंजी प्रविष्टियां हैं इसका मतलब कि अगर पंजी प्रविष्टि में कोई त्रुटि हुई है कोई गलती हमने कर दी है तो उसका सीधा सीधा असर खाता बही पर भी पड़ने वाला है पंजी प्रविष्टि में अगर हमने कोई पंजी कोई जनरल एंट्री छोड़ दी कई बार हम गलती से एकात एंट्री छोड़ देते हैं आप खुद भी जब क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते होंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे पॉइंट्स हमारे सामने दिए रहते हैं गलती से हम एकात पॉइंट भूल जाते हैं छोड़ देते हैं उनकी प्रविष्टि हम नहीं करते तो जिन व्यवहारों की प्रविष्टि पंजी के अंतर्गत यानी कि जनरल के अंतर्गत नहीं हो पाई है उनका लेखा फिर खाता बही में होने से भी छूट जाता है और कहीं ना कहीं फिर खाता बही का जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा जाता है वहां पर भी मिस्टेक हो जाती है अब जब हम खाता बही बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि खाते बही में अलग-अलग शेष हमको प्राप्त होते हैं जैसे हमने खाता बही वाले अध्याय में देखा कि हमने क्रय के लिए विक्रय के लिए नगद व्यवहार के लिए क्रय वापसी विक्रय वापसी के लिए और विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए विभिन्न प्रकार की आय के लिए बहुत सारे खातों का निर्माण किया था इन खातों का जो शेष होता है जिसे हम कहते हैं आंसर इनका जो शेष होता है कई बार वो डेबिट शेष होता है और कई बार वो क्रेडिट शेष होता है ये जो शेयर होते हैं बैलेंसेस होते हैं इनको हम एक जगह एकत्र करते हैं और इन्हीं के आधार पर हम ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट का निर्माण करते हैं जब हम तलपट बना रहे होते हैं तो हमारा एक लक्ष्य रहता है कि हमारा तलपट बराबर आना चाहिए डेबिट और क्रेडिट का ट्रायल बैलेंस हमारी टैली हो जानी चाहिए बस कई बार जब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो हम बहुत सारे उपाय लगाते हैं हम ढूंढते हैं कि कितनी अमाउंट का डिफरेंस आया है उतनी अमाउंट को फिर हम क्वेश्चन में ढूंढना शुरू करते हैं कई बार हम डबल इफेक्ट भी देखते हैं यानी हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि अंतर कितने का आया है और उस अंतर को हम आधा कर देते हैं हाफ कर देते हैं और उसके बाद हम उसको ढूंढना शुरू करते हैं जब डबल इफेक्ट वाले तो हम इस तरह का काम करते हैं बहुत बार ढूंढने के बाद भी अगर तलपट की त्रुटियां हमको पकड़ में नहीं आती तो जो बैलेंस की अमाउंट होती है उसको हम उदरत खाता यानी कि सस्पेंस अकाउंट में डालकर लिख देते हैं और तलपट को बंद कर देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये जो उदरत खाता यानी सस्पेंस अकाउंट है ये आ, हजम होने वाली बात नहीं लगती कई बार ऐसे लगता है कि क्यों आया डिफरेंस कहाँ मिस्टेक हुई क्या गलती हुई तो तलपट के बाद जब हम फाइनल अकाउंट बनाना शुरू करते हैं यानी हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि इन अंतिम खातों को बनाने से पहले हम उन अशुद्धियों को ढूंढ लें जिनको हमने उदरत में डाल रखा है और फिर हम अशुद्धियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं अगर ये अशुद्धियां हमको मिल जाती हैं गलतियां हमको मिल जाती है कि कहाँ पे मिस्टेक हुई तो फिर हम इनका करते हैं संशोधन ये जो संशोधन हमको करना होता है इसमें हम कहीं काट छाट नहीं करते अगर हमने कोई अमाउंट कम या ज्यादा ये गलत लिख दी है तो हम उसको काट कर उसकी जगह दूसरी अमाउंट नहीं लिख सकते यहाँ हमको जरूरत पड़ती है संशोधन प्रविष्टियों की या जिसे हम कह सकते हैं एडजस्टमेंट एंट्री समायोजन प्रविष्टियाँ और इन्हीं समायोजन प्रविष्टियों के माध्यम से हम अशुद्धियों को संशोधित करते हैं अशुद्धियों को हम आगे धीरे धीरे चल के राइट ऑफ करते हैं और वो जो अमाउंट हमने उदरत में लिख कर बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दी थी धीरे धीरे उस उदरत खाते को हम बंद करने राइट ऑफ कर देने का प्रयास करते हैं तो इन्हीं अशुद्धियों को ढूंढ निकालने उनको समायोजित करने सुधारने के लिए हमको करना पड़ता है अशुद्धियों का संशोधन यानी रेस्टिफिकेशन ऑफ एरर तो आज हम जानेंगे कि क्या है रेस्टिफिकेशन ऑफ एरर किस किस तरह की त्रुटियां होती है कैसे हम उन त्रुटियों को ढूंढें और कैसे हम उनका समायोजन करें सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखें कि जब हम त्रुटियों की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के स्टेप हम फॉलो करते हैं सबसे पहले जब हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होती है या ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा होता है तो हम ढूंढते हैं कि गलती कहाँ पर हुई है किस तरह की गलती है क्या हमने अमाउंट लिखने में कुछ कम ज़्यादा कर दिया कई बार ऐसा होता है हम कि जीरो लगाना भूल जाते हैं कहीं एक जीरो ज़्यादा लगा देते हैं इस तरह की गलतियाँ हम करते हैं या फिर हमने पूरी की पूरी एंट्री गलत कर दी है या हो सकता है एकाध एंट्री हम गायब कर दिए हूँ प्रविष्टि करे ही ना हो तो सबसे पहला हमारा मूल उद्देश्य होता है कि हमको त्रुटियों को ढूंढना है कि एक्चुअली किस टाइप की गलती हमने की है और उसके बाद सेकंड जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है संशोधन तो इस तरह की जो त्रुटियां हमको मिली इसका अब हम संशोधन कैसे करें उदरत खाते में हमको डालना है ये तो हम समझ गए हैं लेकिन उदरत खाते में से जो त्रुटियां हमको मिलती जा रही हैं उनको हम कैसे संशोधित करें क्या क्या हम नियम इसमें लगा सकते हैं ये दो प्रोसेस पहले तो हमको गलती ढूंढना है और उसके बाद ढूंढी हुई गलती को देखना है कि कैसे अब इसका हमको संशोधन करना है फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इन त्रुटियों के सुधार के उद्देश्य क्या होते हैं एक तो हमने तलपट जब बनाया तो उदरत में डाल के लिख दिया ट्रायल बैलेंस बराबर आ गया बात खत्म अब फिर क्यों ये वाली बात आई कि त्रुटियों को ढूंढ लिया जाए संशोधित कर लिया जाए उदरत खाते को समाप्त कर दिया जाए इसके भी कुछ अपने उद्देश्य होते हैं जैसे सबसे पहली बात तो यहाँ पर लाभ हानि खाते में का जो हमारा उद्देश्य होता है उसको हमको पूरा करना होता है जब हम अंतिम खातों के अंतर्गत व्यापार और लाभ हानि खाता बनाते हैं तो व्यापार खाता बनाने का हमारा उद्देश्य होता है कि हम सकल लाभ को ज्ञात कर सकें यानी कि वो लाभ जिसमें से अभी तक हमने प्रत्यक्ष व्यय और आय को समायोजित नहीं किया है जब हम सकल लाभ को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखते हैं जो इनकम होते हैं उनको हम लाभ हानि खाते के क्रेडिट में लिखते हैं अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस लाभ हानि खाते के आधार पर हमको व्यापार की सही सही शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात होगी लेकिन कहीं अगर इस प्रकार की त्रुटियां आ गई कोई अमाउंट हमने गलत लिख दिया था यानी जब हमको बेस मिला लाभ हानि खाता बनाने का तो उस बेस में हम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई ऐसी त्रुटि थी अमाउंट गलत लिख दी गई थी गलत साइड लिख दी गई थी या गलत मदों के अंतर्गत लिख दी गई थी तो जाहिर सी बात है कि लाभ हानि खाता आपका गलत हो जाएगा एक तो हमको लाभ हानि खाते के उद्देश्य को पूरा करना है उद्देश्य ये होता है कि सही लाभ हानि व्यापार के ज्ञात हो सके तो इसलिए हमको त्रुटियों का संशोधन करना जरूरी हो जाता है दूसरा हम ये कह सकते हैं कि चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्ति और दायित्व की सही सही स्थिति का पता हमको लगाना होता है चिट्ठा बनाने का मूल उद्देश्य हमारा ये रहता है कि हम संपत्ति और दायित्व की सही स्थिति व्यापार में क्या है ये जान सकें। एक महत्वपूर्ण बात हम ये देखते हैं कि जब हम व्यापार और लाभ हानि खाता बना लेते हैं तो व्यापार खाते के शेष को सकल लाभ या सकल हानि के नाम से हम लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करते हैं और लाभ हानि खाते के शेष को हम शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि के रूप में बैलेंस शीट यानी कि स्थिति विवरण में ट्रांसफर करते हैं अगर लाभ हानि खाता हमको शुद्ध लाभ या नेट प्रॉफिट शो करता है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में जोड़ देते हैं और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस यानी कि शुद्ध हानि प्रदर्शित करता है तो उसको हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में उसको माइनस कर देते हैं तो अगर शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहीं गलत कैलकुलेट हो गया है तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल कि जब हम कैलकुलेशन वहां पर करेंगे बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि आ जाएगी तो चिट्ठा का बनाने का जो उद्देश्य है उसको उसको वो पूरा हो सके, हम फुलफिल कर सके इसलिए हमको चिट्ठा बनाने से पहले अशुद्धियों को ढूंढ लेना चाहिए और उनका संशोधन कर लेना चाहिए अब हम बात करें कि त्रुटियां होती कितने प्रकार की है एक सिरे से हम देखें तो ऐसे लगता है कि हम नंबरिंग गलत लिख देते हैं कई बार आगे पीछे लिख देते हैं जीरो लगाना भूल जाते हैं इस तरह की त्रुटियां होती हैं लेकिन अपने आप में अगर हम देखें लेखांकन के दृष्टिकोण से तो त्रुटियों को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे इस टेबल के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कितने टाइप की त्रुटियां होती है सबसे पहले यहां पर हम देखें एक तो होती है छूट जाने वाली त्रुटियां कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं जो गलती से छूट जाती है जिससे मैंने भी बात की ना हमारे सामने बहुत सारे पॉइंट दिए होते हैं जनरल एंट्री जब हम कंटिन्यू करते जाते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि एकात एंट्री को हम गायब कर देते हैं गलती से छूट जाती है वो अब ये जो छूट जाने वाली अशुद्धियां होती हैं, इसमें भी अपने कई प्रकार होते हैं कुछ त्रुटिया ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से छूट जाती है पूरी की पूरी एंट्री गायब कर दी है या कहीं पे कोई अमाउंट थी दस हजार बीस हजार की पूरी की पूरी अमाउंट गायब कर दिए ऐसे नहीं कि कम या ज्यादा लिखा पूरी की पूरी अमाउंट लिखने से रह गई दूसरा हम देखते हैं आंशिक छूट जाना कई बार जैसे हम कम या ज्यादा लिख देते हैं दस हजार की जगह हम पांच हजार लिख देते हैं पांच हजार तक की तो क्षतिपूर्ति वहां पर होगी लेकिन पांच हजार से डिफरेंस अभी भी आएगा या हम कई बार देखते हैं कि एक वर्ष में अनेक बार किसी मद को लिख देना ये गलती हमसे भी होती है जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं या जब हम जनरल एंट्री कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि एक ही पॉइंट की हम डबल एंट्री कर देते हैं दो बार एंट्री कर देते हैं तलपट बनाते समय भी हम कई बार देखते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं तो एक ही पॉइंट को हम गलती से दो बार लिख देते हैं इसके साथ साथ कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जो तलपट में लिखने से छूट जाती हैं यानी कि पूरी की पूरी एंट्री हमने तलपट से गायब कर दी बैलेंसेस थे हमारे पास बहुत सारे लिखते समय हम पूरी की पूरी एक एक बैलेंस पूरा का पूरा गायब कर दिए वैसे ही कुछ अशुद्धियां होती है जो प्रारंभिक बही में लिखने से छूट जाती है प्रारंभिक बहियों के अंतर्गत हम जनरल एंट्री करते हैं जनरल एंट्री के आधार पर हम खाता बही बनाते हैं और खाता बही के शेष के आधार पर हम तलपट बनाते हैं जिन प्रविष्टियों को हमने प्रारंभिक बही में ही ही छोड़ दिया जिनकी हमने जनरल एंट्री ही नहीं की वो ना तो लेजर में आ पाई और ना ही उनके बैलेंस ट्रायल बैलेंस तलपट में आ पाए तो यहाँ पे तो गलती की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है तो ये ऐसी अशुद्धियाँ थी जो छूट जाती है बाय मिस्टेक गलती से हम उसको छोड़ देते हैं दूसरी अशुद्धियों की हम बात करें तो ये होती है खतौनी वाली अशुद्धियाँ यानी जब हम जनरल टू लेजर ट्रांसफर करते हैं जब हम जनरल के जो पॉइंट्स होते हैं जो जनरल एंट्रीज होती है उनको हम लेजर में लाते हैं लेजर बनाते हैं जब उनका तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं किस तरह की गलतियां करते हैं यहाँ पर हम कई बार क्या होता है कि गलत खाते में लिख देते हैं हमने देखा कि जब हम जनरल एंट्री कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं जितने नए नए पॉइंट हमको जनरल में दिखते जाते हैं उन सब के लिए उन हर टॉपिक के लिए हम अलग अलग खाता बही यानी कि लेजर बनाते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम क्रय के अमाउंट को विक्रय में डाल देते हैं क्रय वापसी को हम विक्रय वापसी में डाल देते हैं वेतन को हम मजदूरी में डाल देते हैं तो इस तरह की जो त्रुटियां होती हैं इन्हें हम कहते हैं कि गलत खाते में लिखी जाने वाली त्रुटियां यानी कि पूरा का पूरा खाता ही आपने गलत कर दिया दूसरी अशुद्धि होती है एक खाते के गलत पक्ष में आ, कोई प्रविष्टि कर देना यानी कि खाता तो सही था हमने अगर क्रय की एंट्री करी हमारी जनरल एंट्री है क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाता से तो सही पोस्टिंग इसकी क्या होगी हमको इसको क्रय खाते के डेबिट साइड में लिखना है रोकड़ खाता से और रोकड़ खाते के क्रेडिट साइड में लिखना है क्रय खाता को खाता तो हमने सही चुना लेकिन हमने क्रय खाते के क्रेडिट में लिख दिया और रोकड़ खाते के डेबिट में एंट्री कर दी खाता बिल्कुल सही था प्रविष्टि का जो साइड था डेबिट टू क्रेडिट वो गलत हो गया इस तरह की एंट्री भी हम इस तरह की गलतियां भी हम कई बार करते हैं इसी प्रकार एक अशुद्धि होती है गलत राशि लिख देना अमाउंट हम कई बार गलत लिख देते जैसे मैंने बात कही ना जनरल में हमने देखा एक हजार रुपए की कोई अमाउंट थी सही खाते में लिखा सही पक्ष में लिखा लेकिन अमाउंट हमने एक हज़ार को दस हज़ार लिख दिया पांच सौ को पांच हज़ार लिख दिया इस तरह की त्रुटियां हमसे हो जाती हैं कई बार हम एक त्रुटि ऐसे करते हैं कि डबल एंट्री कर देते हैं यानी एक ही जनरल एंट्री को हम दो बार लेजर में ला लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तो मिस्टेक होगा ही बैलेंस बराबर आएगा नहीं तो ये अशुद्धियां ऐसी हैं जिन्हें हम कहते हैं खाता बही से संबंधित अशुद्धियां अब तीसरा जो प्रकार है अशुद्धियों का वो है सहायक बही में होने वाली अशुद्धियां आपने देखा कि किस तरह से हम सहायक बही बनाते हैं सहायक बही बनाने के उद्देश्यों को भी हमने जाना एक नजर अगर हम सहायक बहियों पर डालें तो हम देखते हैं कि इनका निर्माण उधार क्रय और उधार विक्रय के लिए किया जाता है और उधार क्रय वापसी और उधार विक्रय वापसी के लिए हम इनको बनाते हैं हमने देखा कि सहायक बही में हम किसी तरह के जनरल प्रविष्टियों की पोस्टिंग हम नहीं करते डेबिट क्रेडिट का उसमें कोई रोल नहीं रहता है बहुत सीधे सटीक विवरण के रूप में हम लिख देते हैं कि किसी व्यक्ति से हमने माल खरीदा मोहन से माल खरीदा राम को माल बेचा इस तरह से बहुत सीधे-सीधे लिख देते हैं अब जनरल संबंधी जो डेबिट और क्रेडिट की अशुद्धियाँ हैं वो तो सहायक बही में नहीं हो पाती हैं लेकिन अमाउंट से संबंधित जो प्रविष्टियाँ होती हैं वो हम वहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं जैसे कि हमने बात कही कि हमने एक आध जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया ये एक आध जीरो हमने गायब कर दिया तो इस तरह की एंट्रीज इस तरह की जो अशुद्धियां होती हैं वो होती हैं अब दूसरी बात हम कहें तो सहायक बही के अपने कुछ अलग नियम सिद्धांत होते हैं बहुत सारे नियमों को फॉलो करते हुए आपने देखा होगा कि हमने सहायक बही बनाई थी एक तो महत्वपूर्ण बात कि इसमें हम नगद व्यवहारों की प्रविष्टियां नहीं करते अब हो सकता है कि हम कोई सैद्धांतिक त्रुटि करते हुए नगद व्यवहार किसी सहायक बही में लिख दें, यहाँ पे भी मिस्टेक हो जाएगा दूसरा हमने देखा था कि किसी भी प्रकार के स्थायी संपत्तियों को अगर हम क्रय विक्रय करते हैं तो उसकी प्रविष्टि हम सहायक बही में नहीं करते लेकिन कई बार मालूम नहीं होता है या फिर भूलवश हम इन स्थायी संपत्तियों के क्रय विक्रय के प्रविष्टियां खाता बही में कर देते हैं सहायक बही में कर देते हैं तो यहां पर भी त्रुटियों की पूरी की पूरी संभावना बनी रहती है तो ये है सहायक बही से संबंधित त्रुटियां अब हम बात कर रहे यहां पर त्रुटियों के अगले प्रकार की यानी कि अंक गणितीय त्रुटियां ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि चाहे हम प्रारंभिक बही बना रहे हों चाहे हम खाता बही बना रहे हों या हम सहायक बही बना रहे हों ये जो अंक गणितीय त्रुटियां है ये किसी भी बही में हो सकती है क्योंकि हर जगह तो अंकों का ही हेर फेर है नंबर ही लिखने हैं हमको है और इन्हीं नंबर्स को आंकड़ों को अंकों को जब हम गलत लिख देते हैं कम या ज़्यादा लिख देते हैं तो जो त्रुटियां होती हैं वो अंक गणितीय त्रुटियां कहलाती हैं तो जो त्रुटियां होती हैं वो अंक गणतीय त्रुटियां कहलाती हैं वैसे ही त्रुटियों के बारे में हम देखते हैं विविध त्रुटियां। अन्य कई प्रकार की त्रुटियां होती हैं अब भूलवश किसी पॉइंट को छोड़ देना किसी को गलत लिख देना डबल लिख देना या प्रारंभिक प्रविष्टियों से ही कोई पॉइंट गायब कर देना इस तरह की जो बहुत सारी त्रुटियां होती हैं उनको विविध त्रुटियों के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं आप जब क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते होंगे तो आप खुद सोचिए खुद देखिए कि कितनी तरह की गलतियां हम क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते समय कर देते हैं तो ये सारी जो गलतियां हैं हम उनको विविध त्रुटियों के अंतर्गत डाल देते हैं एक महत्वपूर्ण त्रुटियों की हम बात करें जिन्हें हम कह सकते हैं सैद्धांतिक अशुद्धियां सैद्धांतिक त्रुटियां जब हमने इस विषय को प्रारंभ किया तो हमने शुरू के एक दो अध्याय में देखा के लेखांकन के अपने कुछ नियम होते हैं कुछ सिद्धांत होते हैं एक लेखा प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली भारतीय लेखा प्रणाली इसके बारे में भी हमने जाना। ज़्यादातर हम अपने व्यवहार में दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग करते हैं और डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हमने पूरा का पूरा एक चैप्टर देखा कि दोहरा लेखा प्रणाली के अपने क्या नियम क्या सिद्धांत क्या प्रक्रिया इसकी होती है यहां पर हमने जिस सिद्धांतों के बारे में जाना अगर हम इन सिद्धांतों को समझने में कोई गलती करते हैं कोई भूल करते हैं तो हमको जो त्रुटि हमको जो त्रुटियां देखने को मिलती है गलतियां देखने को मिलती है उनकी वजह बनती है सैद्धांतिक नियमों को ना जान पाना कई बार हम देखते हैं कि पूंजीगत और लाभगत जो आय व्यय होते हैं उनमें हम अंतर नहीं कर पाते सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो पूंजीगत जो व्यय होते हैं आय आय होते 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 हैं 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 वो वो अलग होते होते वो अलग और लाभगत जो व्यय लेकिन कई बार हम इनमें अंतर नहीं कर पाते कई बार हम ये नहीं जान पाते कि जो खर्च हम जहां पर लिख रहे हैं वहां क्या उनको लिखना चाहिए कई बार देखने से भी ऐसे लगता है कि इन व्ययों को आयगत व्यय में नहीं लिखा जाना चाहिए पूंजीगत में लिखा जाना चाहिए जैसे हम बात करें मशीनों पर मरम्मत मशीनों को हमने खरीदा और उनके मरम्मत पर व्यय किया कई बार हमको लगता है कि मरम्मत का व्यय है तो आगमगत व्यय है लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस मशीन के लिए मरम्मत व्यय दिया गया है जिसको कि हमने परचेस किया है और वो मशीन जो है वो हमारे स्थायी संपत्ति है किसी भी स्थाई संपत्ति को हम खरीदते हैं तो उसको खरीदने के साथ साथ उसकी जो लागत होती है उसमें लाने ले जाने के व्यय उसको स्टैब्लिश कराने के वह और अगर स्टैब्लिश करने के लिए कुछ अतिरिक्त कल पूर्जों की जरूरत पड़ती है तो उसके जो वह होते हैं वो सबके सब मशीन के कॉस्ट में जुड़ जाते हैं तो इन नियम सिद्धांतों का ज्ञान ना हो पाने के कारण हम इस तरह के पूंजीगत और लाभगत अशुद्धियां हम कर बैठते हैं कई बार इस तरह की त्रुटियां कर जाते हैं ऐसी ही कई बार कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं क्षतिपूरक अशुद्धियां यानी कि मिस्टेक हमसे हो जाती है और ऐसे मिस्टेक होती है कि दो मिस्टेक होती हैं एक तो वास्तव में गलती होती है और दूसरी जो मिस्टेक होती है वो उस गलती को सुधार देती है अब अंकों के रूप में आंकड़े के रूप में खाता हमारा सुधर तो जाता है लेकिन फिर भी कही न कहीं ना कहीं सैद्धांतिक अशुद्धियां वहाँ पर बनी रहती हैं जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखें कि किसी खाते के क्रेडिट पक्ष में हमने गलती से कोई गलत अमाउंट लिख दी यहाँ पर हमने देखा कि क्रय खाते के अगर हम ट्रायल बन बनाते हैं तो क्रय खाते के डेबिट साइड में हम एंट्री हमको लिखनी चाहिए थी एक हजार हमने गलती से लिख दिया यहाँ पर दस हजार अब डिफरेंस कितने का आएगा यहाँ पर नौ हजार का डिफरेंस आने वाला है जब हमने विक्रय लिखा तो विक्रय हमको लिखना चाहिए था क्रेडिट साइड में कितना लिखना चाहिए था हमको यहां लिखना था हमको दस हजार गलती से हमने लिख दिया उन्नीस हजार अब यहाँ का नौ हजार और वहां का नौ हजार बैलेंस को बराबर कर दे रहा है इस तरह की जो त्रुटियां होती है सैद्धांतिक रूप से वो लगता तो है कि सही है अंक गढ़ती रूप से भी वो क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो हमारा टैली हो ही जा रहा है यहाँ पर लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उसमें अशुद्धियां रह जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे तलपट के बारे में तलपट के लिए हमने देखा कि किस तरह से उसमें अशुद्धियां हो सकती हैं। तलपट में जिन अशुद्धियों को हम देखते हैं उनमें से कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो तलपट से प्रकट हो जाती हैं। यानी कि हमको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि कहाँ पे अशुद्धियाँ हुई हैं आइए इन अशुद्धियों पर एक नजर डालें ये जो अशुद्धियाँ हैं इन्हें हम कह सकते हैं कि प्रविष्टि गलत पक्ष में करना जब हम देखते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है डेबिट अलग और क्रेडिट अलग आ रहा है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं और चेक करना शुरू करते हैं और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि कोई प्रविष्टि गलत पक्ष में तो नहीं हो गई जैसे हमको क्रय को डेबिट करना था विक्रय को क्रेडिट करना था वेतन को डेबिट करना है स्थायी संपत्तियों को डेबिट करना है दायित्व को क्रेडिट करना है ऐसे पूरा कंसेप्ट फॉलो करते हुए हम तलपट बनाते हैं तो फिर हम एक बार ध्यान से देखते हैं कि कहीं किसी प्रविष्टि को किसी पॉइंट को मध को हमने गलत साइड तो नहीं लिख दिया जिसको डेबिट में लिखना था उसको क्रेडिट में या जिसको क्रेडिट में लिखना था उसको डेबिट में तो नहीं लिख दिया हमने अगर ऐसी कोई अशुद्धि हुई है तो वो चेक करने से बहुत आसानी से पता चल जाती है दूसरी प्रविष्टि होती है दो बार प्रविष्टि कर देना जैसे हमने बात कही कि कई बार इस तरह से हम त्रुटियां करते हैं कि एक मद को हम दो बार एंट्री कर देते हैं अगर ऐसी कोई गलती हमने की है तो भी चेक करते समय हम बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं एक अशुद्धि होती है गलत रकम लिख देना जैसे कि हमने देखा कि एक हजार को हमने दस हजार लिख दिया किसी में हमने एक जीरो बढ़ा दिया किसी में हमने एक जीरो गायब कर दिया किसी की हमने लास्ट डिजिट गायब कर दी कई बार ऐसी अशुद्धियां होती हैं तो उसको भी जब हम क्वेश्चन से आंसर यानी कि ट्रायल बैलेंस को टैली करते हैं तो बहुत आसानी से हम इन अशुद्धियों को ढूंढ निकालते हैं ऐसे ही प्रारंभिक पुस्तकों के योग को गलत लगाने से होने वाली अशुद्धियां भी हम यहाँ पर ढूंढ निकालते हैं हम चेक कर लेते हैं टोटल करके देख लेते हैं प्रारंभिक पुस्तकों को कहीं पे कोई मिस्टेक आई होती है रीचेकिंग करते हैं रिटोटल करते हैं हम और उन अशुद्धियों को हम ढूंढ निकालते हैं इन्हीं अशुद्धियों में दो पक्षों के स्थान पर एक पक्ष में प्रविष्टि अगर हुई है तो ये भी अशुद्धियां पता चल जाती है हमने देखा कि डबल एंट्री सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं हर प्रविष्टि के दो पक्षकार होते हैं एक डेबिट और क्रेडिट किसी को हमने डेबिट में लिखा लेकिन क्रेडिट में हम उसके अमाउंट लिखना भूल गए तो भी हम बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं कि कहां पर मिस्टेक हुई है इन्हीं अशुद्धियों में होती है प्रारंभिक पुस्तकों के योग को आगे ले जाने से संबंधित अशुद्धियाँ हमने क्रय खाता बनाया विक्रय खाता बनाया रोकड़ खाता बनाया और बहुत सारे टाइप के खाते हम बनाते हैं इन खातों में जो बैलेंसेस आते हैं शेष आते हैं उनको हम गत वर्ष से अगले वर्ष यानी कि चालू वर्ष से आगामी वर्ष के लिए हम उनको ट्रांसफर करते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन्हीं खातों में से जो शेष हमको प्राप्त हुए रहते हैं उनको हम शेष ले गया यानी अगले वर्ष उनको ट्रांसफर करना हम भूल जाते हैं इस कारण भी अशुद्धियां रह जाती हैं लेकिन ढूंढने से बहुत आसानी से पता चल जाता है कि कोई बैलेंस हमारा छूटा हुआ है खातों के शेष निकालने में त्रुटियां होती हैं कई बार हम ये जो क्रय खाता विक्रय खाता वेतन खाता मजदूरी खाता बनाते हैं इसका जब हम टोटल करते हैं डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं दोनों को आपस में से माइनस करते हैं डिफरेंस निकालते हैं जो डिफरेंस बैलेंस जो आता है वही खाता बही का शेष आता है तो यहाँ पर कई बार कैलकुलेशन के मिस्टेक हो सकती हैं। तो इन कैलकुलेशन के मिस्टेक आ, के लिए इसको हम जब ढूंढते हैं फिर से रिटोटल करते हैं तो बहुत आसानी से ये मिस्टेक हमको मिल जाते हैं अब कुछ अशुद्धियां तलपट से संबंधित ऐसी होती हैं जिनको कि हम ढूंढ के निकाल नहीं पाते या हम ये कहें कि तलपट से प्रकट नहीं हो पाती हैं आइए इन अशुद्धियों पर एक नजर डालें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं जो क्षतिपूरक होती हैं जिसके बारे में हमने बात कही कहीं ना कहीं हमने कुछ मिस्टेक किया लेकिन उसकी जगह हमने एक और मिस्टेक कर दिया तो भरपाई हो गई जैसे हमने पिछला उदाहरण देखा दस हजार और नौ हजार के बारे में कि कैसे डेबिट में की गई गलत एंट्री को क्रेडिट में की गई गलत एंट्री ने सुधार दिया तो इन अशुद्धियों को हम बहुत आसानी से पकड़ नहीं पाते या हम देखते हैं सैद्धांतिक अशुद्धियां सैद्धांतिक अशुद्धियों में साइड गलत पक्ष गलत हो सकता है लेकिन अमाउंट तो सही रहती है और हमारा पूरा का पूरा फोकस रहता है टोटल पे आंसर पे तो आंसर हमारा सही आ जाता है टोटल हमारा सही आ जाता है ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो जाता है लेकिन सैद्धांतिक अशुद्धि या क्रय को विक्रय लिख देना या विक्रय को क्रय लिख देना वेतन को मजदूरी मान लेना इस तरह की जो सैद्धांतिक अशुद्धियां रहती है वो कहीं ना कहीं रह जाती हैं इसी तरह से हिसाब की अशुद्धियां भी होती हैं यानी प्रविष्टि हमने गलत पक्ष में करी वो समझ नहीं आता है कि कहाँ पर गलती हुई है लेकिन हिसाब किताब जो होता है टोटल जो कैलकुलेशन होता है कई बार ऐसा होता है कि बहुत हम उसको ढूंढते हैं कि कहाँ पे गलती हुई है कहाँ पे गलती हुई है वो मिलती नहीं है वो गलतियाँ और यही कारण है कि यहीं से उदरत खाते का यानी कि निलंबित खाता जिसे हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट का जन्म हुआ है कि कहीं पे नहीं मिल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ मिस्टेक हुई है तो जो डिफरेंस के अमाउंट है उसको उदरत में हम डाल देते हैं तो ये हमने बात की कुछ ऐसी अशुद्धियों की जो तलपट से प्रकट होती हैं और जो अशुद्धियां तलपट से प्रकट नहीं होती हैं। अब अगर हम इन अशुद्धियों के संशोधन की बात करें तो ये जो अशुद्धियां होती है संशोधन के दृष्टि से इनको हम दो भागों में बांटते हैं पहला एक पक्षी अशुद्धियां जिनको हम बोलते हैं सिंगल साइड एरर और दूसरा द्विपक्षीय अशुद्धियां जिनको हम कहते हैं डबल साइड एरर दोनों अशुद्धियों के संशोधन के जो तरीके होते हैं वो अपने आप में कुछ अलग अलग होते हैं जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अशुद्धियां सिंगल साइड एरर्स जो होते हैं इनके कारण क्या होते हैं क्यों मिस्टेक हम इस तरह के करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि खातों में कम या अधिक जोड़ लगाना जब हम खाता बही बनाते हैं वहां पर हम जो कैलकुलेशन करते हैं तो कई बार हमसे ऐसे मिस्टेक हो जाती है हम टोटल को कम या फिर ज्यादा कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये जो अशुद्धियां होती है क्योंकि प्रविष्टियों के कारण ये अशुद्धियां नहीं हुई है डबल एंट्री सिद्धांत कहीं यहाँ पे प्रभावित नहीं हो रहा है केवल अमाउंट यहाँ पर प्रभावित हो रही है खातों का योग कम या अधिक लगाया तो इसलिए हम इसको सिंगल साइड एरर कहते हैं अब हम बात करें कि इनका संशोधन कैसे करना है बहुत ध्यान से आपको समझना है कि अगर खातों का योग कम या अधिक लगाया है तो हमको फोकस करना है कि मिस्टेक कहां पर हुई है कम या अधिक में सबसे पहले एक उदाहरण से हम देखें कि मान लीजिए यहां पर लिखा गया है क्रय खाते का योग पाँच सौ से अधिक लगाया ऐसी कंडीशन में जब हम उदरत खाते को साथ में रखेंगे हमने नहीं ढूंढ पाया इसीलिए तो हमने मान लिया कि मिस्टेक हुई है पाँच सौ रुपया ज्यादा था यहाँ पे तो ऐसी कंडीशन में हमको ये देखना है कि शब्द क्या लिखा हुआ है कम या ज्यादा अधिक अगर अधिक लिखा गया है तो ऐसे कंडीशन में हमको इस खाते को पलटना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा सिद्धांत हमारा ये कहता है कि क्रय खाता जो है वो हमेशा डेबिट होता है इसलिए जनरली डेबिट होता है मोस्टली कई कंडीशन में जब हम क्रय वापसी की बात करते हैं माल दान में दिया की बात करते हैं तो कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जब हम उनको क्रेडिट करते हैं जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो उस कंडीशन में हम क्रय खाता डेबिट करते हैं लेकिन यहां पर क्योंकि क्रय खाते का योग अधिक लिखा गया है तो ऐसी कंडीशन में हम क्रय खाते को करना पड़ेगा हमको यहां पर क्रेडिट और डेबिट में हमको लिखना पड़ेगा उदरत क्योंकि ये जो डिफरेंस है तो यहां हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी उदरत खाता डेबिट क्रय खाता से सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट लेकिन यहीं पर अगर ये क्वेश्चन होता क्रय खाते का योग पांच से कम लगाया यानी कि माइनस में जा रहा है क्रय खाता तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम जनरल एंट्री में जो हम सिद्धांत फॉलो करते हैं वो वैसा का वैसा ही रहेगा यानी परचेस को हम डेबिट करते हैं तो हम डेबिट ही करेंगे तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट यानी कि क्रय खाता डेबिट उदरत खाता से कुल मिलाकर आपको फोकस करना है कि जिस खाते का योग जिसके बारे में बात कही जा रही है वहां पर अधिक लगाया गया है या कम लगाया गया है अधिक है तो जिस खाते की बात की जा रही है सैद्धांतिक रूप से उसकी विपरीत प्रविष्टि आपको कर देनी है अगर वो क्रेडिट होने वाला है तो डेबिट कर देना है अगर वो डेबिट होने वाला है तो क्रेडिट कर देना है और अगर कम लगाया गया है तो फिर आपको वैसे का वैसा ही सिद्धांत फॉलो करना है दूसरा जो पक्षकार होगा वो उदरत खाता मान लिया जाएगा ये हमने बात करी सिंगल साइड एरर के बारे में अब जब हम बात करते हैं डबल साइड एरर यानी दोहरी प्रविष्टियों पर तो यहां पर हमको संशोधन करने के लिए पूरा का पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ता है यहां पर अगर कुछ गलती हो गई है तो हमको क्या करना पड़ता है कैसा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं आइए देखते हैं मान लीजिए प्रश्न में दिया गया है भवन खरीदी के एक हजार रुपए क्रय खाते में लिख दिए गए अब देखिए भवन क्या है हमारे लिए स्थायी संपत्ति है हमने देखा कि जब भी हम स्थाई संपत्तियों को क्रय करते हैं तो उसके जो क्रय के अमाउंट है खरीदने की जो राशि है उसको हम संपत्ति खाते में ही स्थानांतरित करते हैं क्योंकि भाई वो स्थायी संपत्ति है माल नहीं है लेकिन बाय मिस्टेक हम कई बार ऐसे करते हैं आपने देखा होगा कि जब आप जनरल प्रविष्टि करना प्रारंभ करते हैं तो इस तरह की बहुत सी गलतियां आप बहुत बार करते हैं अब हमको देखना है प्रश्न हमारा क्या है कि मशीन खरीदी के एक हजार रुपए क्रय खाते में लिख दिए गए यहां पर हमको तीन प्रविष्टियां करनी होगी एक गलत प्रविष्टि एक सही प्रविष्टि और एक संशोधन प्रविष्टि गलत हमने क्या किया हमने गलती कर दी क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाता से परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सही हमको क्या करना चाहिए था मशीन खाता डेबिट रोकड़ खाता से मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अब गलत और सही दोनों प्रविष्टियों को कंपेयर करके हमको संशोधन प्रविष्टि करनी है दोनों ही प्रविष्टियों में आप देख रहे हैं कि रोकड़ खाता क्रेडिट हो रहा है ये तो सही है इसमें कोई मिस्टेक नहीं है लेकिन हमने गलती कहां पर की है क्रय खाते को डेबिट करके हमने गलती की है अब हमको उसको अपोजिट एंट्री कर देनी पड़ेगी इसको इसके जो त्रुटि हुई है उसको समाप्त करने के लिए उसको क्रॉस कर देने के लिए खत्म कर देने के लिए हमको क्रय जो हमने डेबिट लिखा है उसकी अपोजिट एंट्री कर देनी है यानी क्रय को डेबिट से अब हमको उसको कर देना है क्रेडिट यानी प्रॉपर एक संशोधन प्रविष्टि जो हम लिखते हैं वो हो जाएगी हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट मशीन खाता डेबिट क्रय खाता से तो इस तरह से हम प्रोसेस फॉलो करेंगे अगर कहीं पर डबल एंट्री सिस्टम में मिस्टेक होती है तो हमको पहले उसकी गलत एंट्री जो बाय मिस्टेक हो चुकी है वो हमको लिखना है फिर सही एंट्री हम लिखेंगे यानी कि जो होनी चाहिए वो एंट्री हम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम दोनों को कंपेयर करके कि मिस्टेक कहाँ पर हुई है किसकी विपरीत प्रविष्टि हमको करनी है सब सिद्धांतों को हम फॉलो करते हुए फिर उसकी हम संशोधन प्रविष्टि यहाँ पर देंगे